हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जो भी इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट और जो भी डिवाइसेस बनाए गए हैं जिनको हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? ये एक टेम्पररी मैग्नेट होती है जिसको हम करंट को यूज करके हम इसको बनाते हैं। अ मटेरियल विच बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट बन जाती है जब उसमें करंट पास होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लिया है? एक आयरन नेल लिया है, एक कील ली है, उससे हमने वायर से पूरा रैप कर दिया और दोनों एंड उसके बैटरी में हमने जोड़ दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पिन्स रखी हैं, ऑल पिन्स रखी हुई है यहाँ पे हमारे पास, ये भी मेटल है। तो जब इसमें करंट पास होगा तो ये क्या एक्ट करेगा? ये जो आयरन नेल है ये एकदम मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा और जो ये नेल्स हैं ये इससे स्टिक हो जाएंगी। कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद ये स्टिक हो जाएंगी। और दे आर यूज इन मैनी अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल्स। ठीक है, ये इन सारी चीजों में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए ही ये एक्ट करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अब हमने इस डायग्राम में देखा कि एक आयरन नेल थी और उसको हमने इंसुलेट कर दिया था। इंसुलेट कर दिया था मतलब हमने उसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर चढ़ा दिया था, कवर कर दिया था हमने उसको, और एक बैटरी या सेल से हमने उसको कनेक्ट कर दिया था। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, टेक द कोटेड आयरन नेल क्लोज टू द आयरन पिन। हमने आयरन पिन के पास उनको लेके गए हम आयरन नेल को, तो क्या होगा? आयरन पिन अट्रैक्ट हो जाएंगी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द स्विच ऑफ द सर्किट इज टर्न्ड ऑफ द नेल विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। अगर स्विच ऑफ है तो नेल्स अट्रैक्ट नहीं होंगी। इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे स्विच ऑफ है तो यहाँ पे आयरन नेल्स कनेक्ट नहीं हुई, स्टिक नहीं हुई है। जैसे ही स्विच ऑन होगा थोड़े टाइम बाद ये जो आयरन नेल्स है ये इससे स्टिक हो जाएंगे, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से स्टिक हो जाती है। ठीक है, तो एंड इफ द स्विच इज टर्न्ड ऑन इट विल गेट अट्रैक्टेड आफ्टर सम टाइम। और अगर स्विच ऑन है तो कुछ टाइम बाद वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ मिनट्स लगेंगे उसके बाद वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, द ऑल पिन स्टिक्स टू द नेल बिकॉज वेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर रैप्ड ऑन द नेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ही करंट फ्लो होता है उसमें तो वो धीरे धीरे एक मैग्नेट में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद जो हमारी जो स्मॉल पिन्स हैं जिनको हम ऑल पिन कह रहे हैं वो कुछ टाइम बाद स्टिक हो जाएंगी हमारे नेल से। थर्ड पॉइंट है, वेन द की इज रिमूव्ड। की क्या है यहाँ पे? की हमारा स्विच है। जब हमने की स्विच को ऑफ कर दिया, की इज रिमूव्ड का मतलब है जब हमने स्विच ऑफ कर दिया सर्किट का, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन देयरफॉर। यानी कि जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया तो सर्किट बंद हो गया, यानी करंट स्टॉप हो गया। तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ऑल पिन जो है वो उससे डिटैच हो जाएंगे, यानी कि अलग हो जाएंगे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के फिनोमेना पे ही बेस्ड है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज अ मैकेनिकल बेल दैट फंक्शंस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ही ये वर्क करती है। ठीक है, व्हेन द की इज क्लोज्ड करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। यानी कि की जब क्लोज है तो करंट फ्लो होगा कॉइल के अंदर इधर होगा। व्हेन द की इज ओपन होगा, ये क्लोज्ड नहीं होगा, ओपन होगा। जब की ओपन होगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। व्हेन द की इज ओपन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मैग्नेटाइज्ड। यानी कि जब करंट स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगा कॉइल में यानी कि वायर में फ्लो होगा, जो हमने उस नेल के ऊपर ऐसे रोटेट कर रखी थी, पूरी नेल के ऊपर वो क्या है, कॉइल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी वो। फिर उसके बाद वो आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगी और फिर हैमर गोंग होगा और एक बेल की साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको हम और अच्छे से समझेंगे अभी। नाउ द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नो लॉन्गर मैग्नेटाइज्ड, ऑल्सो द आयरन स्ट्रिप बिकम्स बैक टू हिज ओरिजिनल पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल भी एक मैकेनिकल बेल होती है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू वर्क करती है। तो ये वर्क कैसे करती है?
सबसे पहले जब स्विच ऑन होता है यानी कि की ओपन होती है तो करंट फ्लो होता है वायर्स में। वायर की हेल्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है यानी कि जो मेटल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है, फिर वो आयरन स्ट्रिप को खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है आयरन स्प्रिंग को, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो हमें दिख रही है इसको, ये जो स्प्रिंग है, ये दोनों ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ये स्ट्रिंग्स सॉरी ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और ये दोनों क्या है, हमारी रॉड्स। तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये मेटल है और ये मैग्नेट बन चुका है। फिर जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इससे ये कनेक्टेड है, ये देखो ये इससे कनेक्टेड है स्ट्राइकर से, तो फिर ये गोंग लगा हुआ है यहाँ पे यानी कि एक बेल है, ये इससे जैसे ही इसके पास जाएगा तो ये स्ट्राइकर भी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइकर जब गोंग पे लगेगा तो बेल की आवाज आएगी, तो ये है वो बेल, जैसे अगर यहाँ पे आप प्रेस करते हो, इधर इसको यहाँ पे प्रेस करते हो तो ये जो स्ट्राइकर है ये गोंग से लगेगा तो इसमें आवाज आती है इस तरह से। तो फिर इसके बाद ये एक बार स्ट्राइक होके ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है, क्योंकि जैसे ये स्ट्राइक होता है तो क्या होता है, सर्किट ओपन हो जाता, क्लोज हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है, कैसे, करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। नाउ द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नो लॉन्गर मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज नहीं होती अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट स्टॉप हो जाता है, आयरन स्ट्रिंग अपनी जगह पे आ जाती है वापस से। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है, जब ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इनमें ये मैग्नेट बन जाते हैं तो ये इस आयरन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर ये स्ट्राइकर गोंग से लग जाता है, जैसे ये गोंग से लगता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस से मेटल बन जाती है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर हमें पता भी है, कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के अलाउ कर देते हैं, मतलब दे आर द सब्सटेंसेस विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन और कॉपर। जनरली सारे ही मेटल्स जो होते हैं, मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने की परमिशन दे देते हैं। इंसुलेटर कंडक्टर के अपोजिट होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का परमिशन नहीं देते, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक या सैंड, ठीक है। ये इंसुलेटर्स हैं, इनको बैड कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। अब पढ़ेंगे लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब पढ़ा हमने। अब पढ़ेंगे कि लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कुछ लिक्विड जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, ये सारे लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम इसको किसी सर्किट में लगाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बीकर में हमने लेमन जूस ले लिया, ठीक है, एक बर्तन में लेमन जूस ले लिया, फिर हमने उसमें दो वायर्स अटैच कर दिए। उन दोनों वायर में एक साइड तो बैटरी अटैच कर दी हमने, देखो यहाँ पे एक साइड बैटरी अटैच कर दी है, बैटरी को इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, और एक साइड बल्ब अटैच कर दिया। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा यानी कि बैटरी कनेक्ट हो गई अच्छे से, तो क्या होगा, ये लेमन जूस होने के बाद भी यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेमन जूस के अंदर भी करंट फ्लो किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से फ्लो किया करंट, तो क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो हुआ। अगर बल्ब ग्लो हुआ इसका मतलब क्या है कि लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सारे लिक्विड कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे सिर्फ कुछ ही लिक्विड कंडक्ट करते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर, जिनका एसिडिक नेचर होता है, जैसे कि लेमन जूस, विनेगर या टैप वाटर, ठीक है। अब पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस विच पासेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दे आर मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड कैन बी मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है, और ये मेटल्स के भी बने हुए होते हैं और नॉन मेटल के बने होते हैं। साइड में जो इमेज बनी है ये इलेक्ट्रोड की है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ये सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मीडियम यानी कि एक मीडियम से अनदर मीडियम, मतलब कि कोई वाटर से कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, तो लिक्विड से सॉलिड में अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड, दोनों में इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे, यानी कि वाटर है और ये सॉलिड है, कोई मेटल है ये मान लो, इससे अगर हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो हम दोनों
हम इन दोनों को इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे, तो इस पार्ट से इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या होता है? द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड कॉजेज केमिकल चेंज, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि एक ऐसा पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का जिससे लिक्विड में इलेक्ट्रिक चेंज केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का जिसकी वजह से लिक्विड में केमिकल चेंज आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कंडक्शन इज पॉसिबल इन ओनली दो सब्सटेंसेस विच आर पार्टली डिसोसिएटेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उन्हीं सब्सटेंसेस में होगा जिनमें अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे। इसका मतलब अपोजिटली चार्ज्ड आयन का मतलब कि किसी में पॉजिटिव पार्टिकल होंगे और नेगेटिव पार्टिकल भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिनमें प्लस का चार्ज है, किसी में माइनस का चार्ज है। इसका हम समझेंगे आगे। तो वो लिक्विड जिनमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड्स वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब फोर्थ वाले पे आते हैं हम, वो क्या है? कैथोड। कैथोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैथोड। यानी कि बैटरी के माइनस वाले साइड से, जहां ये बैटरी है, सेल या बैटरी, उसकी नेगेटिव साइड से जो कनेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, उसको हम यह कहते हैं कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं हम एनोड। ठीक है, नेक्स्ट है आयंस। दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन अ केमिकल कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर। जब कोई केमिकल कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उनको हम आयंस कहते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में पास होता है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो जो भी लिक्विड में प्रोसेस चल रहे होते हैं उन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल चेंज। द टाइप ऑफ चेंज इन विच द फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल कंपोजिशन इज ऑल्सो चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। वो हमने पढ़े हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े हैं। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जैसे जो वापस से हो सकते हैं, जो वापस से पॉसिबल होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है? किसी सब्सटेंस की अपीयरेंस और केमिकल कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाती है। जैसे कि मिल्क को हम चेंज करते हैं कर्ड में। ठीक है, तो ये क्या कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें वो दिखना भी बदल गया है और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी बदल गई है, क्योंकि अब कर्ड वापस मिल्क में चेंज नहीं हो सकता। तो मिल्क कर्ड कन्वर्जन, कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैटायंस क्या होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। हमने यहाँ पे आयन पढ़ा है, मैंने पीछे बताया था आपको कि जो प्लस और माइनस वाले ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये आयंस है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं। अब जो पॉजिटिव वाले एटम होते हैं उनको तो क्या कहते हैं हम? कैटायन। और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? एनायन। कैटायंस जो पॉजिटिव वाले होते हैं, एनायन नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किसी सब्सटेंस के ऊपर हम किसी और सब्सटेंस की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे कि आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर अगर हम कवर कर दें तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये प्रोसेस होता कैसे है? ये इसको हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। ठीक है, किसी और सब्सटेंस की हम जब लेयर चढ़ाते हैं तो इसमें हमें करंट की जरूरत होती है। और ये करते क्यों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इट इज डन टू प्रिवेंट द सब्सटेंस फ्रॉम कोरोजन। ये इसलिए करते हैं ताकि वो जो सब्सटेंस है, जो मेटल है, वो खराब ना हो, उसमें जंग ना लगे। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे और वो खराब ना हो। ठीक है, इन दिस इंस्टेंस अ लेयर ऑफ गोल्ड इज टू बी इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन द मेटेलिक ज्वेलरी टू एनहेंस इट्स अपीयरेंस। अब कुछ कुछ ज्वेलरी में हम क्या करते हैं, किसी किसी ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है? गोल्ड की लेयर होती है, बस वो एग्जैक्टली गोल्ड नहीं होता, उसके ऊपर गोल्ड की लेयर होती है जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल, उसको सुंदर दिखाने के लिए उस पर गोल्ड की लेयर होती है। तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही होता है। यूजुअली गोल्ड प्लेटिंग इज कनेक्टेड टू द एनोड। मतलब ये सारा प्रोसेस है कि किस तरह से वो होता है कि करंट हम उसमें सप्लाई कर देते हैं, फिर उसका जो वाटर ऑफ गोल्ड होता है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है।
However, the major factors that influence the last plating include the voltage level of current, the temperature. मतलब ये सारी कंडीशन है जिनके साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सकती है, इनके बिना नहीं हो सकती, कैथोड और एनोड. इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं है ये. यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या फायदे हैं? इम्प्रूविंग वियर रेजिस्टेंस, इम्प्रूविंग द थिकनेस ऑफ मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस को इम्प्रूव करना, उसके ऊपर रेजिस्टेंस को कम करना, ठीक है. थर्ड है हमारा एनहांसिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइक प्लेटिंग अ कॉपर लेयर ऑन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लगा देते हैं उस पर किसी कॉपर लेयर, जैसे कॉपर लेयर अगर हम किसी पे लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है. नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, इम्प्रूविंग सरफेस यूनिफॉर्मिटी, यानी कि ताकि वो प्लेन रहे, उसकी सरफेस ज़्यादा इररेगुलर ना हो, हम इसको प्लेन करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं. और सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है किस लिए? ताकि वो रस्टिंग से बचा ले, कोरोजन से बचा ले, ताकि उस सब्सटेंस पे जंग ना लगे. नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि किस किस चीज़ों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है. सिल्वर क्रोमियम प्लेटेड यूटेंसिल्स, मतलब बर्तनों पे भी सिल्वर और क्रोमियम की प्लेट्स होती है, प्लेट चढ़ाई जाती है, यानी कि परत चढ़ाई जाती है उनके ऊपर, उनको सुंदर दिखाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है शाइनी क्रोमियम कोटेड टीवी स्विचेस, टीवी के स्विचेस को शाइनी और अपी बहुत ही कैची, आई कैची दिखाने के लिए उन पे क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, बहुत ही पतली लेयर होती है ये. थर्ड है गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी, जो रियल ज्वेलरी नहीं होती उसमें गोल्ड और सिल्वर की प्लेट्स चढ़ा के उसको अट्रैक्टिव बनाना. फोर्थ है जिंक प्लेटेड वाटर पाइप्स, वाटर पाइप पे हम जिंक लगाते हैं ताकि वो पाइप्स डैमेज ना हो ज़्यादा जल्दी, क्योंकि आयरन बहुत ही जल्दी रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है आयरन पे बहुत ही जल्दी. आयरन प्लेटेड, जिंक प्लेटेड आयरन पोल्स टू प्रिवेंट रस्ट, यानी कि आयरन पोल्स पे भी हम जिंक की लेयर लगाते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे. और टिन प्लेटेड कोल्ड ड्रिंक कैंस, टिन की प्लेट लगाते हैं कोल्ड ड्रिंक कैंस पे ताकि वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो आयरन के साथ रिएक्ट ना करे. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.